नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो अध्यायारम, नमो लोए सवसाहुरम। शुद्धात्मान मनिकांतम साधमुत्तम मंगलम, वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट अर्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणि, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम चेतु शासनम। ये झाया झाणि कही कम कलंक रही, नृत्य निरंजन नानुमय तेव परम प्रणवी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित्त भावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। आत्मा उत्तम तत्व है। जब आत्मा का लक्ष्य हो तब ही जीवन उत्तम बनता है। जीवन कौन सा उत्तम जीवन है? जो आत्महित के लिए, आत्म प्रभावना के लिए समर्पित हो जाए। निर्ग्रंथ जीवन उत्तम क्यों, आनंदमय क्यों, स्वाधीन क्यों? आत्मामय जीवन है। आत्मा ही उत्तम है। जल में जितनी उष्णता है वह अग्नि की है, जल की नहीं है। विश्व में जितनी उत्तमता है, उत्तम है वह आत्मा की है। आत्मा में समर्पित हो जाए, बस यही उत्तम बात है। प्रशंसनीय है वह। सम्यक का एक अर्थ प्रशंसनीय भी होता है, यथार्थ भी होता है। जैसा का तैसा सम्यक दर्शन, ज्यों का त्यों श्रद्धान, जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान। खुलासा करो, मैं जीव हूं ऐसा श्रद्धान, शरीर अजीव है ऐसा श्रद्धान, रागादिक आश्रव भाव दुख रूप है, दुख के कारण है ऐसा श्रद्धान। आत्मा की आराधना, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र रूप संबर भाव है, आनंदमय है, आनंद का कारण है ये ऐसा श्रद्धान, ज्यों का त्यों श्रद्धान। आत्मविशुद्धि बढ़ने से कर्म की अशुद्धि, कर्म जनित अशुद्धि को, फिर कर्म के संयोग की अशुद्धि को भी उपचार से अशुद्धि कहते हैं, वह घटती जाती है। आत्मा की आराधना से सुख बढ़ता है, आराधना बढ़े तो सुख बढ़ेगा। इस जीव की कैसी मिथ्या कल्पना है, परिग्रह बढ़े तो सुख बढ़ेगा। परिग्रह दुख का कारण है, तो परिग्रह बढ़ने से सुख कैसे बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा, चाहे वो चेतन परिग्रह हो अथवा अचेतन परिग्रह। परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है, आराधना बढ़ने से सुख बढ़ता है। परिग्रह को भी अगर हम भेद कर दें तो कल की भाषा में फिर वही आ जाएगा, मिथ्यात्व राग द्वेष परिग्रह, अंतरंग परिग्रह। मोह बढ़ने से दुख बढ़ता है, राग बढ़ने से दुख बढ़ता है, द्वेष बढ़ने से दुख बढ़ता है। ये दुख रूप है, दुख के कारण है, यही परिग्रह है, यही संसार है, यही हिंसा है, यही पाप है, यही भाव कर्म है। नाम भेद हैं, अंतर नहीं है। आराधना बढ़ने से सुख बढ़ता है, वैराग्य बढ़ने से सुख बढ़ता है, समता बढ़ने से सुख बढ़ता है। आत्मा उत्तम तत्व है, प्रशंसनीय है, वही
आत्मा की आराधना में समर्पित जीवन, प्रभावना में समर्पित जीवन, वही प्रशंसनीय है। पैश्वरनाथ जजे हैं, क्या कहा, चरित मोह बस लेस न संयम, पैश्वरनाथ जजे हैं। अरे जब संयम हो तब तो क्या कहें, वो तो अलौकिक है, लेकिन जब तक देश संयम भी नहीं हुआ, लेस संयम का मतलब देश संयम समझना आया, वहां भी इंद्रादि के द्वारा प्रशंसनीय होता है। पैश्वरनाथ जी इंद्र सभा में इंद्र उसकी प्रशंसा करता है, देवों के बीच में इंद्र प्रशंसा, गर्धराज को उसे धन्य कहते हैं, धन्य है। जिनवाणी में क्या लिखा, धन धन्य है ते जीव नरवा पाए, क्या कार्य, क्या पैसा कमाया, मकान बनाया, जायदाद बना ली, हैं शरीर हो, भोग संयोग परिवार, बस धन्य भैया। धन्य है वे जीव, प्रशंसनीय है जीव, उत्तम है जीव। आत्मानुशासन से बोलिए, जिन्होंने इस परिग्रह पंख को अंगीकार ही नहीं किया। उत्तम त्यागी कौन है, बाल्यति, जिन्होंने भोगों को स्वीकार ही नहीं किया। मध्यम ये हैं, हजारों लाखों वर्ष वहां रहे और तो अभी ऐसे मुख मोड़ा, उधर लौट के नहीं देखा, उनकी याद नहीं करी, याद नहीं करी उनकी। गरीबी कोई होता है, कष्ट में तो याद आती है, क्यों भाई, कष्ट में तो याद आती है, दुख सबकी याद जलाता है, सही है, बिल्कुल सही है, सही है, एकदम सही है, लेकिन दुख होता हो ना, जहां आत्मा का आश्रय है वहां दुख नहीं है, इसलिए किसी की याद नहीं आती। इसमें से एक लाइन ये भी कही थी, दुख सबकी याद दिलाता है, सुख सबकी याद बुलाता है, यहां सुख होता है, किसी की याद नहीं आती। यह तुम्हें भूतकाल की याद आती है, भोगों की याद आती है, घर की याद आती है, स्त्री की याद आती है, पैसा की याद आती है, ये मोह है, सुखी नहीं है। दुखी को ही याद आती है, और याद आती है जितनी उतना ही दुख ही बढ़ता जाता है, दुख बढ़ता चला जाता है। आज तो याद आ रही, बेचैन हो जाता थोड़ी देर में। आत्मा का भान नहीं है तो न जाने कौन कौन की याद आती आती है, कहां कहां उपयोग भटकता है। कैसी सुंदर पंक्ति लिखी है, निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग। तुम वेद विरहित वेद विद, वेद विरहित वेद विद, वेद माने स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, और वेद माने ज्ञान, वेदों से रहित हैं और वेद विद, वेद विद ज्ञान को जानने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप को ज्ञाता है। हे ज्ञायक के ज्ञायक चैतन्य बिहारी, ज्ञायक के ज्ञायक, तुम वेद विरहित वेद बिन, बोलो हा, शिव कामनी के कंत हो और
वो नीचे आ गया, दूसरा आ गया। ठीक है, विचारना आत्मा के भान के बिना ये जीव विषयों की बुज्जन जी ने लिखा, जिनके और विश्वास वचन जिन शासन नाही ते भोगातुर हो। सहे दुख नरकन माई, जिनके और विश्वास वचन जिन शासन नाही ते भोगातुर हो। वे भोगों के लिए आतुर होते हैं, अधीर होते हैं। कौन? जिनके जिन वचनों में विश्वास नहीं। क्योंकि जिन वचन में कहा भोग रोग हैं, जिनके और विश्वास, तो जिन वचन का विश्वास नहीं, विश्वास नहीं होता तभी तो अपनी प्रवृत्ति करता, अपनी मनमानी देख तो लें। विश्वास नहीं है, दिखा देना, क्या दिखा दें? विश्वास नहीं है। जहां विश्वास होता है फिर कोई बात ही नहीं होती। देवशास गुरु के अविश्वास के समान विश्व में कोई दूसरा पाप नहीं है। ग्रहित मिथ्या देवशास गुरु का अविश्वास होना, विश्वास न होना। अध्रुव पर्याय का विश्वास है, अध्रुव संयोगों का विश्वास है, तमाम दुनिया के लोग हैं उनका विश्वास है, और भगवान का विश्वास नहीं है तुझे। तुझे अपने आत्मा का विश्वास नहीं है, आत्मा में सुख है ये विश्वास नहीं है, आराधना करते हुए सुख होगा ये विश्वास नहीं आता। सुख नहीं मिला तो, नहीं मिला तो ये कैसे हो सकता है? प्राप्ति न हो कछु ऐसो तू विचारत है, तेरे मन में शंका है ना? सही हो प्राप्ति स्वरूप यो ही ज्ञान दे। ऊपर की लाइने याद होंगी, एक छह महीना उपदेश मेरो मान रे, शांति रखो। मालूम है ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, शांति रखो। झट से लगता है सुनते में ये तो हमें आता है, अरे आता है, यही तो अभिमान है। ऐसे ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये नहीं आता है। तेरो घट सरता में तू ही है कमल या को, तू ही मधुकर हो सुभाष पहचान। मधुकर होकर के सुभाष पहचान, मछली होकर के नहीं। मछली पानी में रहती है, कहा जाने वो कमल की गंध को। मछली पानी में रहती है लेकिन वो कमल की गंध को क्या जाने, भौरा आकर के उस कमल की गंध को जानता। माने मर रहता है, मृत्यु के भय से भी वो उसे छोड़ता नहीं है। मृत्यु का भय भी उसे उस समय होता नहीं है, वहां मगन, भौरा फूल की गंध में मगन है। तुम जरा जरा से विकल्पों में, जरा जरा सी बहाने में छोड़ देते हो, वो क्या करें? अब जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? कह दिया बैठो सुनो, अब जरूरत नहीं। वैसे बताने आए थे, फलाना करने आए थे, अब नहीं जरूरत। छल देखो, छल जरा सी अनुकूलता मिले तो भूल गया। वही दिखाई देता, पैसा, व्यापार, भोग, संयोग, मान, प्रतिष्ठा, वाह, इच्छाएं पूर्ति हो जा।
मोह मिथ्यात्व का मिटना ही तो कठिन है, राग का मंद हो जाना भी कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है मिथ्यात्व का मिटना, बहुत मूल को पहचान। आज हम ये कह रहे हैं इसके साथ में, आत्मा मूल तत्व है। सात तत्वों में जीव अजीव, जीव पहले आए, छह द्रव्यों में जीव उद्गल धर्म धर्माकार। जीव बिना क्या है बोलो विश्व में? अरे पुद्गल को पुद्गल नहीं जानता, पुद्गल को भी जानने वाला तो ये पुद्गल है, ये जानने वाला जीव है। मूल तत्व है आत्मा की भूल व मूल की भूल है। मूल की भूल है, अब जो हो जाए सो हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। समझ में आया? मूल तत्व है, मूल को सींचे तब ही वृक्ष हरा भरा हुआ है, चाहे उसके पत्ते हों, चाहे फूल हों, चाहे फल हों। और मूल से निर्मूल होगा, अलग होगा, बस काम खत्म। मूल धन बिना मिश्र धन कहां से आएगा? मूल मकान में मूल फाउंडेशन जिसको कहते हैं, ये मूल तत्व है। इस मूल तत्व की श्रद्धा व सम्यक दर्शन, ये धर्म का मूल है, माने चारित्र का मूल है। हाँ, चारित्र का मूल, दंशन मूलो धम्मो चारित्रम खल धम्मो, तो उस चारित्र का मूल, साम्य भाव का मूल सम्यक दर्शन है। भेद करके कहें तो कैसे कहोगे? अहिंसा का मूल सम्यक दर्शन है। जो अपने को आत्मा नहीं समझता वह झूठ बोलता है, कदम कदम पर झूठ बोलता है। सत्य धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। अचौर्य का मूल सम्यक दर्शन है। ब्रह्मचर्य का मूल सम्यक दर्शन है। अपरिग्रह का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन बिना कहां? बिया भावे तरु रेवा, मूल है आत्म तत्व। उत्तम तत्व है सो तो ठीक है, सहज तत्व है, परम तत्व ये ठीक है, लेकिन मूल तत्व है। जैसे दृष्टांत बोलो, अध्यात्म विद्या भारत की मूल विद्या है। ये निर्गंथ मार्ग, ये मूल मार्ग है, मूल मार्ग। आत्मा मूल तत्व है। जो इस आत्म तत्व को समझे बिना ज्ञानी मानता है, उससे बड़ा अभिमानी कोई नहीं है विश्व। आत्मानुभव के बिना जो अपने को ज्ञानी मानता है, उससे बड़ा अभिमानी कोई नहीं, दंभ है वो। आत्म तत्व की अनुभूति के बिना, भावना के बिना जो अपने को धर्मात्मा मानता है, इससे बड़ा दंभ नहीं, दंभी है। आत्मा सार तत्व है। ऐसे खिसका सोई संसार खड़ा हो गया। आत्मा मूल तत्व है, उसे विमुख हुआ, भूल भुलैयों में पड़ गया, भूल चालू। मूल की खबर नहीं, क्यों? आत्मा के बिना, आत्मा के बिना का अर्थ जीवन में, आत्मा के बिना का अर्थ, आत्मा बिना तो कोई होता ही नहीं है। आत्मा के बिना अर्थात आत्मश्रद्धान के बिना, आत्मज्ञान के बिना, बिना दूल्हा की बरात है, बिना दूल्हा की बरात, बिना अंक के शून्य है,
अंक बिना बिंदी सोनी दिग दिग जीवन समकित बिना आया, अंक बिना जो शून्य गिना दिग दिग जीवन समकित बिना, उसकी खबर नहीं, न उसके लिए गरज। लगता ही नहीं इसके बिना भी कुछ रुका है। बिल्कुल ये बात गांठ में बांध देना चाहिए बिल्कुल, कि भाई आत्मज्ञान के बिना दुख हो रहा है, जितना भी दुख है जहां कहीं भी, जितनी भी अभिलाषाएं होती हैं आत्मज्ञान के बिना। एक चर्चा की थी याद है, शरीर के प्रति जो मोह है वो शरीर नहीं करा रहा, शरीर में अपनत्व का कारण अपने को आत्मा न जानना है। जो जीव अपने को आत्मा जानते हैं उनको शरीर में मोह नहीं होता, चाहे शरीर कितना ही सुंदर हो, अनुकूल हो, स्वस्थ हो, उन्हें मोह नहीं होता उस शरीर से। पढ़ते हो तो उसका विचार तो किया करो, मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया। अगर अपना वैभव नहीं भूलती पर ममता में क्यों अटका दी? कहां घर परिवार वैभव पद प्रतिष्ठा, कहां बुद्धि? अरे रे कुबुद्धि है। क्या लिखा पद्मनंदी स्वामी ने, टोटमत जी ने उदाहरण भी दिया है, आत्म स्वभाव से विमुख होकर या हटकर निकलकर जो बुद्धि गेयों में प्रवर्ती है व्यवचारिणी बुद्धि है। आत्म स्वभाव से निकलकर जो बुद्धि गेयों में प्रवर्ती है वह व्यवचारिणी बुद्धि है। अपने पति में संतुष्ट है वह शीलवान स्त्री है, और पति से विमुख होकर जी बहुत सुंदर है, जी बहुत धनी है, जी बड़ा युवा है, जी राजा है, जी युवराज है, जी बड़ा योद्धा है, अरे होगा क्या मतलब है? व्यवचारिणी है कि शीलवान है? ऐसे ही जी कौन है, जी कौन है, जी बड़ा आदमी, जी बड़ा पंडित है, जी बड़ा विद्वान है, जी बड़ा त्यागी, जी बड़ा धर्मात्मा, अरे तुम उनका जो हो कि नहीं हो? जैसी जिज्ञासा तुझे पर के प्रति होती है ऐसी जिज्ञासा कभी ये आई मैं कौन हूं कि को है? को आओ भैया हूं, पहचानो नहीं तुम्हें बेटा, हम पंडित जी भेज दो। बढ़िया बढ़िया, कब आए? खुश हो गया? अपने को पहचाना नहीं, तो कभी खबर ही नहीं। ये पर को जानने की जो जिज्ञासा होती है, विकल्प होता है, वो अपने को नहीं जानता इसलिए होती है। अपने को जानने तब पर को जानने की अभिलाषा नहीं। अभी कह रहे थे ना कमरे में बैठे हमने देखा नहीं, अरे अपना कमरा ऐसा है, यहां बैठे रहो लोकालोक देख ले। ये मूल तत्व है। आत्मानुशासन में कोई मूल का दृष्टांत दिया है, जो धर्म को छोड़ करके सुखी होना चाहता है वो वृक्ष के मूल को छेद करके फल खाना चाहता है। जो धर्म को छोड़ करके सुखी होना चाहता है वह मूल छेद कर, वृक्ष का मूल छेदो फिर फल खाओ। व्यापार में भी मूल सुरक्षित रहे तो कोई बात नहीं है, और मूल ही चला गया आप क्या करोगे? आत्मा से विमुख होकर जो सम्यक दृष्टि होना चाहता है
सम्यक दर्शन के से उत्पन्न आनंद की वांछा करता है, नहीं हो सकता। आत्मा को जाने बिना जो ज्ञानी होना चाहता है अनंत काल में तो होगा नहीं ज्ञानी, होगा तब आत्मा को जान करके ज्ञानी हुआ। हम ज्ञानियों की खूब सेवा करेंगे, खूब तपश्चर्या करेंगे, करो, लेकिन सम्यक ज्ञानी तो नहीं हो जाओगे। क्यों? ज्ञानियों की सेवा करोगे कैसे? तुमने जाना ही नहीं ज्ञानी, केवल इच्छाओं की पूर्ति करने का नाम सेवा मान लोगे, शरीर की सेवा करने का नाम सेवा मानोगे। ज्ञानी की सेवा ज्ञानी कर सकता है, ज्ञानी की सेवा करने के लिए पहले ज्ञानी होना होगा। जैसे संयमी को आहार कराने के लिए पहले संयमी होना होगा, क्योंकि वे उद्दिष्ट आहार अपने लिए बनाया हुआ आहार तो लेंगे नहीं। अब तुम्हें उस प्रकार का आहार करने सीखना होगा, तब तो तुम दे पाओगे ना। तुम होटल पे खाओ और कहो महाराज आहार हमें देने, महाराज कहते तो भैया वो नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी, ये होटल का छोड़ना पड़ेगा। बताओ, पर घबराओ नहीं, उसको छोड़ने से तुम्हारा दुख ही छूटेगा, परेशान नहीं होगे, तुम बहुत सुखी हो जाओ, बीमार नहीं पड़ोगे, बाहर में भी बीमार नहीं पड़ोगे। आत्मा को जाने बिना जो ज्ञानी होना चाहता है, हम तो पढ़ पढ़ करके ज्ञानी होंगे और कर कर करके धर्मात्मा होंगे, मालूम है? ऐसे धर्मात्माओं की भाषा कभी सुनी? और बताओ क्या करें, कमा जा कर तो रहे, जो कर तो कर रहे, और क्या करें? अरे तू कर नहीं रहा मर रहा है, अरे करना तो मरना है, करना सो मरना, करता है सो मरता है, ज्ञाता है सो जीता है। जिनको पढ़ पढ़ करके तुम ज्ञानी होना चाहते हो, ये ज्ञानी कैसे ज्ञानी, किसके क्या क्या पढ़ पढ़ करके ज्ञानी हुए थे बता, कैसे ज्ञानी हुए थे? हे गुरु, आप आत्मा को जानकर ज्ञानी हुए, और हम बता, जब कुंदकुम स्वामी कहते हैं दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तणे निज विभव से, तो आदेश भी दे रहे हैं, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहोश करना बने है, न छल ग्रहोश करना बने का क्या मतलब है? छल ग्रहोश का पहले इतना ही बताओ, वो तो वहां प्रसंगिक अर्थ वो अलग है, प्रसंगिक अर्थ तो जानते होगे, कहीं शब्द अर्थ की चूक हो जाए, व्याकरण आदि की चूक हो जाए, तो छल को ग्रहण मत करना, अभिप्राय को भाव को ग्रहण करना, कहने में चूक जाते हैं कभी, कोई बात नहीं, चूक है, सामान्य सा अर्थ है। लेकिन हम तो छल ग्रहों का मतलब क्या है, तुम सुन सुन करके सूक्ष्म ज्ञान के बल से ये मत मान लेना कि हम आ गए, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। टीकाकार ने क्या खुलासा किया, स्वानुभव से प्रमाण करना, ध्यान करना, ध्यान रखो, आगम को आगम से प्रमाण करोगे तो वो तो मिल ही आएगा, उसमें क्या करोगे? एक ग्रंथ तुम अपने पास रख लो और हम इसमें से बांचे तो वो तो मिल ही आएगा, एक से एडिशन है। आगम को आगम से प्रमाण करोगे, गुरुओं को गुरुओं से प्रमाण करोगे, हमने कोई बात कही स्वयं से पूछी, नन्ना बताइयो पंडित जी ऐसा करे, ठीक तो कह रहे थे पंडित जी, और का कहे, अनंत ज्ञानियों का एक ही मत तो है भाई। और जो वस्तु का स्वभाव है वो तर्क से सिद्ध हो ही जाएगा युक्ति से, उसमें क्या करोगे? अरे भाई स्वानुभव प्रमाण के बिना, टीकाकार कहते स्वानुभव से प्रमाण कर,
अब बस सुनकर के चुप रह गया, ऐसा शिष्य होगा? दर्शाओ गुरु करता प्रमाण। हाँ, दर्शाओ गुरु, हे गुरु दर्शाओ हमें, हम भी उसे प्रमाण करेंगे, बहाएंगे नहीं। ले ये कपड़ा पहनियो, ये चादर ओढ़ियो, और तुमने उठाया वहां फेंक दो, घड़ी घर के बक्सा में रख दो। ये क्या है? अरे तुम्हें ओढ़ बिगड़ जाओ तो घर बिगड़ जाओ, तो फेंक बिगड़े तो दो ही नहीं दो, दो घर बिगड़े दो। तो ठंड का समय किसी साधर्मी को धर्मात्मा देख करके ले, ये चादर ओढ़ना तुम बने उठा गए तो दूसरे दिन फिर वैसे ही ठाड़ो। काय भैया वो चादर धड़ी है, तूने अपनी डिपॉजिट कर लिया उसका है, बुद्धि में धर लिया उसे। दर्शाऊ तो करना प्रमाण, देव होना पर्याप्त है, जैसे गांव में मंदिर होना पर्याप्त नहीं है, मंदिर जाकर के दर्शन करने का नियम होना जरूरी है। जिन्हें दर्शन की रुचि नहीं है, स्वाध्याय की रुचि नहीं है, तो मंदिर तो हमारे गांव में तीन है, तुम कौन से में जाते? अब हम तो तुम्हें क्या फायदा तीन मंदिर, प्रवचन तो हमारे यहां दिन भर होते, सवेरे से संझा लो, खूब अच्छी खूब तुम, अब हम तो नहीं पहुंचा। अरे वाह, तो फिर का मतलब नहीं करो, उनकी आवाज की महिमा हमसे नहीं हो सकती। जैसे किसी दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, अवलोकन मात्र, तुम्हें कन्या कहा है जो बताओ कि कछु नहीं, खाली देख रहे हैं ऐसे है, चैतन्य चिंतामणि अवलोकन मात्र सही होती है, उसके लिए कोई कष्ट नहीं सहन करने हैं, कष्ट नहीं करने हैं, अच्छे नहीं करने हैं, ज्यादा समय नहीं लगाना है, बस अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति। और वह अवलोकन न करे, प्रशंसा तो करे, अवलोकन न करे, चार दत्त की तरह वह वैश्या के यहां रुक गया ना है, आवेश में कर तो बैठा, फिर उसको बड़ी गिलानी आई, अब क्या करें, जी हमने करो कहा, लोग क्या कहेंगे, हमारा कुल कैसा धर्मात्मा, मैं भी कैसा विद्या व्यसनी अभ्यासी, और मैं मुझे ये क्या हो गया, अरे ये कर्म ये कहा कराओ तूने, अब क्या करें। सो उस धैर्य बाहर नहीं निकलता, इसीलिए हमने कहा था गिलानी होना स्वाभाविक है दोषों के प्रति, पापों के प्रति, लेकिन इतनी गिलानी मत कर लेना चार दत्त ऐसी के निकलो ही नहीं। है एक ही सोने की हीरा जड़ी अंगूठी नीचे गिर गई जिंदगी में, अब तुम गिलानी कर, बात तो सही है गिलानी करना, वैसी उठा के थोड़ी पहन लियो, लेकिन इतनी गिलानी मत करो कि बात छोड़ गयो, परो अपावन ठोर में कंचन तजय न कोर, इतनी गिलानी मत करो। हाँ उसको उठाओ धो, ज्यादा सो नेक टपाल ने कैसे, बस अब शुद्ध हो गई, अब गिलानी कर रहे हो, जब दोष का प्राश्चित हो गया अब गिलानी नहीं रहती, ऐसी ढीलता भी नहीं कि दोष का प्राश्चित की भी जरूरत नहीं है, कहा और हो जाऊं, और ऐसी गिलानी भी नहीं है कि अब क्या करें भैया, अब क्या करें, अब क्या करें, आराधना में फिर लगो, डिप्रेशन में मत जाओ, जो हमें निराशा की ओर ले जाता है वो हमारा विपरीत विचार है, हम नहीं रह सकते, हम नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते, ये तुम्हारा विपरीत विचार, डिप्रेशन की ओर ले जाने वाला विपरीत विचार है, हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हम जीव नहीं है, हम संगी नहीं है, क्यों नहीं कर सकते। अबे तुमसे कहे तुम प्रचार नहीं कर सकते, कहे हमने क्यों नहीं कर सकते भैया, आवाज है
तुम्हारे कपड़ा सुधर, नहीं हम कपड़ा बहाल बदलेंगे, तुम्हारे कपड़ा छू गए, छू गया हमारे बहाल बदलेंगे, हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कब बात का बात बताओ। हम नहीं समझ सकते, हम नहीं कर सकते, हम नहीं सह सकते, क्यों नहीं सह सकते, 22 परी से सहोगे तुम, विचार तो करो, हम नहीं कर सकते, पहले से ही कह दिया, हम नहीं समझ सकते, सोचो समझो विचारो, हम नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते, अभी तुम्हें ये तो नहीं भाषित हुआ, स्वरूप भाषित नहीं हुआ, अरे कौन कैसी बातें करते हो, और जो कार्य असंभव है जो नहीं कर सकती, वह आदमी ऐसा कोई काम है जो आदमी नहीं कर सके, अरे सर सब काम पैसा से हो जाते, झूठ को सच हो जाते, नहीं हो जाते भैया, कोई झूठा वकील हो सोई करेगा, झूठा मजिस्ट्रेट हो वही करेगा, हैं झूठ से का सच पैसा नहीं कर देगा, ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई काम है आदमी नहीं कर सकता, पैसा से ना हो जा, ये मिथ्या अहंकार पाले बैठे हो, पैसा से क्या हो जाएगा, मौत टल जाएगी, रोग ठीक हो जाएगा, बोलो अपराध अपराधी निरपराधी हो जाएगा, एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का करना अशक्य है, तो वहां कहता नहीं आज ऐसा कोई काम है जो नहीं कर सके, और जो जो स्वाधीन है उसको मानता क्या है, हम नहीं कर सकते भैया, हम नहीं कर सकते, हम नहीं सह सकते, क्या करें, हमसे सहन नहीं होता, तुम समझते नहीं हो इसलिए सहन नहीं होता, समझो तो सहन हो जाएंगे तुम्हारे, वो उपसर्ग भी सहज रूप से सहन हो जाएंगे, तुम आत्मा नहीं समझे अभी, आत्मा का हित नहीं समझे, पुण्य पाप नहीं समझे, हमसे सहन नहीं होता, नहीं सहन होता तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, अगर सहन नहीं होता तो करो आराधना, फिर तुम्हें सहन नहीं करने पड़ेंगे, सहन नहीं होता तो फिर आराधना करो, दो चौड़े दी, सहन नहीं होता तो चोरी बंद कर दे, चोरी मत कराओ, झूठ बोलता है, दो चौड़े दिए अध्यापक ने लग रही तो फिर आप बोल, फिर झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, अग्नि सहे घनघात लोह की संगत पाई, अगर उसे लोह की चोट सहन नहीं करनी है तो लोह की संगति मत कर, हमारी परमात्म प्रकाश टी का कारण है लोह का, एक तो लोह लोह आयस और एक लोह का लोभ भी अर्थ कर दिया, इसने एक अर्थ तेल कर दिया और इसने एक अर्थ इसने कर दिया, तिली में जब तक तेल है, तिली सरसों कोई भी हो जब तक तेल है तभी तक वो फिरती है, जब तेल निकल जाता फिर थोड़ी फिरती, ऐसे जब तुम्हारे जब तक तुम्हारे हृदय में स्नेह है राग है तभी तक तुम फिरोगे संसार में, जब तुम्हारा स्नेह मिट गया परद्रव्यों से अब तुम काय को राग में अब फिरोगे नहीं, ये हमें पेर रहे, अरे जे नहीं पेर रहे, राग पेर रहा तुम्हारा, राग से पेर रहे हो, इसने का अर्थ इसने कर दिया और इसने का अर्थ तेल कर दिया, स्नेहन चिकनाई, लोह का अर्थ लोहा कर दिया अग्नि के संगत में, और लोह हे अग्नि तुझे लोह है पिटना नहीं है तो लोह की संगति मत कर,
हे जीव तुझे दुखरीय नहीं होना है तो पर की संगति मत कर। पर की संगति करेगा तो फिर तो संसार में पिटेगा, बनेगा, मरेगा, भ्रमेगा। पर की संगति नहीं कर फिर किसकी ताकत है? पढ़ते हो जाने क्या पढ़ते हो समझ में नहीं आती। आई हमेशा कैपिटल है जब तक अकेला हो। आई क्या पढ़ते हो अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? जो पढ़ने लायक है वो पढ़ोगे नहीं क्यों? आई कैपिटल बड़ा है कि नहीं? लेकिन अगर दूसरे के साथ में लिखा जाएगा तो पर की संगति से छोटे होगे तुम, बड़े नहीं हो पाओगे। पराधीन होगे स्वाधीन नहीं होगे, दुखी होगे सुखी नहीं होगे। जीओडी 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 कब हो? गॉड उल्टा कर दे तो डीओजी। अब समझ लो भगवान से उल्टे चलोगे तो कौन बनोगे? अंग्रेजी पढ़ दियो। अरे क्या पढ़ोगे तुम अंग्रेजी? गॉड से उल्टे चलोगे, ईश्वर से भगवान से उल्टे चलोगे तो भगवान के सन्मुख होगे तो भगवान बनोगे, भगवान की मानोगे तो भगवान बनोगे। विचार करो, आत्मा मूल तत्व है भाई। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, अनसुना मत कर देना। सुन करके रहें, उस डिपॉजिट में धारणा खिलन में मत रख लेना। केवल पास ऑन मत कर देना, दूसरों को मत सुना देना। दर्शाऊं तो करना प्रमाण। अब शिष्य कैसा होगा? दर्शाओ गुरु करता प्रमाण। मेरी भी प्रतिज्ञा में छलक नहीं ग्रहण करूंगा इसका। ना एक रोटी और रख दें, खा लेंगे। अरे रख दो अबे तो हम खा लेंगे, बस हम छोड़ दे। अनादर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ये जिन बचनों का अनादर है, जो जिन बचनों को स्वानुभव से प्रमाण नहीं करता है, वैसे ही हाँ करता रहता है, वह जीव अनंत काल में ज्ञानी नहीं होता। मूल तत्व है, मूल तत्व है आत्मा, मूल विषय। कितने शब्द प्रिय होते, ये मूल विषय है, उसमें तमाम उत्तर विषय आ जाते। पुराण कहते हैं, पुराण और चरित्र का अंतर तो जानते हो। चरित्र में एक व्यक्ति का चरित्र जीवन वर्णन होता है, और पुराण में एक के वर्णन करते हुए अनेक चरित्र बीच में आ जाते हैं। अंजना पवनजय का भी आ गया, वज्रकर्ण का भी आ गया। मूल चरित्र क्या है? पद्म पुराण। रामचंद्र जी का जीवन जब वर्णन करना है, हनुमान के बिना कैसे रामचंद्र जी का जीवन करोगे? सीता और जनक, और जनक सीता कैसे आएंगी? जनक के कुल का भी वर्णन करना पड़ेगा, और रावण का भी वर्णन करना पड़ेगा, राक्षस वंश का भी, और बानर वंश का भी वर्णन करना पड़ेगा। उसके बिना रामपुराण पूरा होगा ही नहीं। ऐसे सात देव सास गुरु को जानना पड़ेगा, सात तत्व को जानना पड़ेगा, उसके बिना आत्मा जान ही नहीं पाओगे। लेकिन मूल तत्व, हाँ मूल तत्व है आत्मा। उत्तम तत्व है और मूल तत्व है। ये दूसरी शैली में जो हमने कहा था उसी शैली में अपनाना, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात है। अरे ये बात में दम नहीं है, थोड़ा अच्छी बात है, थोड़ा पुण्य बन जाता है। लेकिन मेरी बात है, मेरे हित की बात है, ये बात आई समझ में आया ना? केवल बहुत ऊंची ऊंची बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सरल बात है। अरे होगी सरल ऊंची अच्छी है? मेरी बात है, मेरे हित की बात है, बस
मेरे घर की बात है, मेरे हित की बात है, मेरी बात है बस। ऐसे ही आत्मा उत्तम तत्व है, सरल तत्व है, परम तत्व है। हाँ है, हम मने नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की मूल तत्व है। इस मूल को, मूल के बिना मोक्ष मार्ग तो नहीं हो सकता। आत्मा को जाने बिना, स्वानुभव पूर्वक जाने बिना ज्ञानी होने, ज्ञानी होने सारे उपाय झूठे हैं, और ज्ञानी हुए बिना सुखी होने के सारे उपाय झूठे हैं। और सुख तो प्रयोजन है, सुख तो सुखी तो होना है, होना है तो जिद मत करो। तुम जो उपाय करते हो झूठे हैं भाई, इन उपायों से तो कोई सुखी नहीं हुआ, कभी सुखी नहीं हुआ, कहीं सुखी नहीं हुआ, किंचित सुखी नहीं हुआ। तुम सपने काय को देख रहे, जितने भी सुखी हुए हैं वो है आत्मा की आराधना करके सुखी हुए हैं। इसलिए इस मूल तत्व को गंभीरता से समझकर स्वानुभव से के लिए उद्यमी होना, ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर के वाचन से नहीं। ऊपर ऊपर तो सीप गोची कौड़ू संघ मिल जाएंगे, रत्न के लिए तो गहरा गोता, रत्नाकर में समुद्र में गहरा गोता लगा तब तो वो मोती ब्याता है। ऐसे इस चैतन्य सिंधु में गहरा गोता लगा तब रत्नत्र प्रकट हो गए, उसके बिना रत्नत्र नहीं आया। ओम नमः।